दोस्तों मुझे याद है कि जब फर्जी वेब सीरीज रिलीज होने वाली थी ना, तब मैंने इंटरनेट पर इसके बहुत ज्यादा प्रमोशंस होते हुए नहीं देखे थे। मुझे बस इतना पता था कि Amazon Prime पर शाहिद कपूर और विजय सेतुपति का एक शो लॉन्च होने वाला है। लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि ये वेब सीरीज किसी न किसी तरीके से द फैमिली मैन से कनेक्टेड होगी। और सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि मुझे ये भी पता चला कि इस सीरीज को राज एंड DK बना रहे हैं, जो उस वक्त तक बेहद ही फेमस डायरेक्टर्स हो चुके थे। और जैसा कि उम्मीद थी, फर्जी ने OTT वर्ल्ड में बॉम्ब गिरा दिया। लाखों मीम्स, ट्रेंड्स, तारीफों पे तारीफ, फर्जी को भर भर के अटेंशन मिल रहा था। शाहिद कपूर, के मेनन और विजय सेतुपति तो थे ही, लेकिन राज एंड DK ने भी जैसे अपना नाम वर्ल्ड फेमस कर दिया था। आप जब बैंक जाते हैं ना, तो पैसे डिपॉजिट करने के बाद आपको एक स्टाम्प वाली पर्ची दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि आपके पैसे सक्सेसफुली जमा हो गए हैं। वैसे ही वेब सीरीज के ऊपर अगर राज एंड DK का स्टाम्प लग गया, तो मतलब समझो भैया कि शो हिट हो ही गया। अब पिछली बार Amazon Prime वालों ने फर्जी के ऊपर स्टाम्प लगवाया था, तो इस बार Netflix वालों ने गन्स एंड गुलाब्स के ऊपर राज एंड DK का ठप्पा लगवाया है। और जैसा कि उम्मीद थी, ये सीरीज भी बिल्कुल बॉम्ब की तरह धमाका मचा रही है। अब वैसे तो गन्स एंड गुलाब्स फ्राइडे 18 तारीख को ही रिलीज हो गई थी, लेकिन मैं इसे आराम से संडे को बिना किसी रोक टोक के पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहता था। और देखो, आज के इस वीडियो में मैं पूरी तरह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में ही बताऊंगा, जो गन्स एंड गुलाब्स देखते वक्त मैंने फील किया है। वैसे ये बात तो कोई बताने वाली नहीं होनी चाहिए कि सीरीज के पूरे 7 एपिसोड्स मैंने एक ही बार में खत्म कर दिए थे। और भाई साहब, जितना मजा मुझे गन्स एंड गुलाब्स देखने में आया ना, उतना शायद 2023 के किसी भी सीरीज को देखने में नहीं आया। अब बेशक फर्जी की बात तो अलग है, लेकिन इंडियन गैंगस्टर टाइप मूवीज का तो टेस्ट और फील ही अलग होता है। अब जो लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर, 1 & 2 और मिर्जापुर जैसी सीरीज के फैन है ना, वो मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मेरे ख्याल में इंडिया में गैंगस्टर्स मूवीज का एक अपना ही अलग जॉनरा है और एक बड़ा फैन बेस भी बन चुका है। अब इन मूवीज को हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी जैसे सुपरस्टार्स के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन इस बार राज एंड DK ने राजकुमार राव, दलकीर सलमान, सतीश कौशिक और गुलशन देविया जैसे फैबुलस एक्टर्स के साथ मिलकर इस डार्क ह्यूमर से भरे गैंगस्टर सीरीज को बनाया है। अब शो के पहले एपिसोड के पहले सीन से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो मैं कुछ अलग ही देखने वाला हूँ। अब जिन लोगों ने ये सीरीज या फिर सीरीज के ट्रेलर को भी अगर देखा होगा ना, तो उन्हें ये पता होगा कि गुलाबगंज के इस शहर में कुछ बहुत ही अद्भुत प्रकार के खूनी और गैंगस्टर्स रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं चार कट आत्माराम से। कहा जाता है कि इसे खुद भगवान से अमर होने का वरदान मिला है और ये अपने शिकार को 4 बार काट कर मारता है। दूसरे कैरेक्टर है राजकुमार राव, यानी कि पाना टीपू, जो अपने शिकार को साइकिल बनाने वाले पाने से मारते हैं। फिर आते हैं छोटा गंची, जिसे हम मिर्जापुर के मुन्ना भैया का सस्ता कॉपी भी बोल सकते हैं। बड़ा गंची यानी कि सतीश कौशिक को खुश करने के लिए ये छोटा गंची किसी भी हद तक जा सकता है। और सबसे आखिर में आते हैं दलकीर सलमान, यानी कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर, जो कि सच कहूं तो इतने भी ईमानदार नहीं है। अब मेरे पर्सनल फेवरेट की बात करें, तो चार कट आत्माराम ने मेरा दिल जीत लिया है। गुलशन देविया ने जिस चार्म और प्रेजेंस के साथ ये कैरेक्टर प्ले किया है ना, मजे ही आ गए यार। और शॉकिंग बात यह है कि चार कट आत्माराम ने बहुत कम डायलॉग्स मारे हैं। सिर्फ उसके एक्शन ने ही शो की स्टोरी यहाँ से वहाँ कर दिया है। मेन स्टोरी लाइन की अगर बात करूँ, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपल और सीधी सादी सी स्टोरी है, जो कि एंड होते होते सीधा मुंह पर ब्लास्ट हो जाती है। सीरीज का लास्ट एपिसोड किसी सिनेमैटिक मास्टरपीस से कम नहीं है। इसके बारे में मैं और बात करूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाइए। वायलेंस, मारपीट, प्यार और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमेडी, गन्स एंड गुलाब्स में हर चीज कूट कूट कर भरी हुई है। और ऐसी वैसी कॉमेडी नहीं, प्योर डार्क कॉमेडी। अब अगर किसी सीन में मर्डर या खून खराबा भी हो रहा होगा ना, तो आप शॉक्ड हो के नहीं, बल्कि हंसते हंसते उस सीन को देखेंगे। जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो आइकॉनिक सीन याद करिए, जिसमें सरदार खान यानी कि मनोज बाजपेयी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा होता है। बस वैसे ही सीन सीरीज के हर मोड़ पर आपको मिल जाएगी। और देखो, एक्टर्स ने जिस परफेक्शन के साथ उन सीन्स को डिलीवर किया है ना, आपको लगेगा यार ये लोग सच में गैंगस्टर्स तो नहीं बन गए हैं। और देखो, मैं सिर्फ मेन कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक छोटे से छोटे गुंडे ने अपनी परफॉर्मेंस से गन्स एंड गुलाब्स पर 4 चांद लगा दिए हैं। वैसे सीरीज की पूरी स्टोरी 90s के जमाने के वक्त की है। कैरेक्टर के बोलने के स्टाइल से लेकर हर एक चीज आपको पुराने जमाने की याद दिलाएगी। हेयर स्टाइल्स, कपड़े, बैकग्राउंड म्यूजिक, पुराने टेप रिकॉर्डर्स, STD बूथ्स, पुरानी गाड़ियां। और उस वक्त गांजा या ड्रग्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि उस वक्त हुआ करता था अफीम। गन्स एंड गुलाब्स के भी मेन कैरेक्टर्स अफीम ही है। गुलाबगंज के किसान सिर्फ और सिर्फ अफीम उगाना जानते हैं, और गांची वहां के मुखिया की तरह है, जो इनलीगल
इलीगल तरीके से उस अफीम को कोलकाता में बेचना चाहता है। अब इस इक्वेशन में एक पुलिस ऑफिसर और खूनी को ऐड कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि बात खून खराबे तक पहुंचेगी ही। लेकिन इन सभी में जो सबसे अनप्रिडिक्टेबल है वो है राजकुमार राव का टीपू। टीपू टाइगर एक मशहूर गैंगस्टर का बेटा है जिसके बारे में गुलाबगंज का बच्चा बच्चा जानता है। पिता के मौत के बाद सबको लगता था कि अब टीपू भी खूंखार गैंगस्टर बनेगा, लेकिन टीपू तो है एक नंबर का डरपोक। राजकुमार राव ने जिस परफेक्शन और कॉमेडिक टाइमिंग के साथ ये रोल किया है ना चाहते हुए भी ये आपका फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा। अब देखो, अक्सर ही बहुत सी मूवीज में ऐसा होता है कि मेन कैरेक्टर शुरुआत में बिल्कुल डरपोक और सीधा साधा होता है, लेकिन मूवी के एंड होते होते वो एक प्रॉपर हीरो बन जाता है। इस तरह का ट्रांजिशन हमें बेहद पसंद है और राजकुमार राव का ये कैरेक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही ट्रांजिशन से होकर गुजरता है। सीरीज की बेस्ट बात यह है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेन कैरेक्टर आखिर है कौन। हर किसी को बिल्कुल इक्वल अमाउंट में स्क्रीन प्रेजेंस और भूमिकाएं दी गई हैं। अरे वो कहावत है ना, हर गैंगस्टर को लगता है कि वही हीरो है। बस गुलाबगंज के गैंगस्टर्स की भी यही कहानी है। राज एंड डीके की एक और खास बात यह है कि वो अपनी सीरीज के आखिरी एपिसोड्स को एकदम धमाकेदार बना देते हैं। गन्स एंड गुलाब्स में 7 ही एपिसोड्स इसीलिए है क्योंकि आखिरी एपिसोड्स 80 मिनट की एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह है। अब ऑडियंस का ध्यान खींचना तो यार कोई इन दो डायरेक्टर से सीखे। हो सकता है कि आप गन्स एंड गुलाब्स के किसी एक एपिसोड में बोर हुए हो, लेकिन देखो मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि कोई इसके आखिरी एपिसोड में बोर हुआ होगा। पहले सेकंड से लेकर एंड हो रहे मोमेंट्स तक आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आप पूरा टाइम ये सोच रहे होंगे कि यार ये हो क्या रहा है। हर एक सेकंड के बाद कोई नया ट्विस्ट आ जाएगा और पूरी कहानी उलट पुलट हो जाएगी। अब सलमान खान की सारी मूवीज एक तरफ और गन्स एंड गुलाब्स का लास्ट एपिसोड एक तरफ, फिर भी गन्स एंड गुलाब्स जीत जाएगा। वैसे इसे देखते समय बहुत से लोगों को मिर्जापुर की याद आ सकती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा फ्रेश और यूनिक एक्सपीरियंस था। अब सच बताओ तो इंडिया के OTTs को इस तरह के एंटरटेनमेंट सीरीज की सख्त जरूरत है। एक तरफ बॉलीवुड वाले हैं जो अपनी मूवीज में बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट करके सुपर हिट मूवी बनाने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल में गदर 2 को ही देख लीजिए। अब बहुत सारे फैंस मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच तो यही है कि हम सब गदर 1 की पॉपुलैरिटी और सनी देओल की वजह से ही सिनेमा हॉल्स में जा रहे थे। मूवी में कुछ भी ऐसा नया नहीं था जो हमें चौंका दे, लेकिन राज एंड डीके की वेब सीरीज में उसकी राइटिंग, डायलॉग्स और स्टोरी लाइन ही किंग होता है। अब देखो, मैं इस बात को एडमिट कर सकता हूँ कि गन्स एंड गुलाब्स की स्टोरी बहुत ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन फिर भी एवरेज स्टोरी को सुपर हिट बना देते हैं उसमें काम करने वाले एक्टर्स। राज एंड डीके ने हर एक एक्टर से उनका टैलेंट पूरी तरह से निचोड़ कर गन्स एंड गुलाब्स में इस्तेमाल किया है। बस कुछ घंटे पहले ही मैंने इस सीरीज को खत्म किया है, लेकिन अभी भी इसकी एंडिंग मेरे दिमाग में घूम रही है। देखो, एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है कि आपके होश उड़ जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि राज एंड डीके भी जानते थे कि ये एक सुपर हिट वेब सीरीज होने ही वाली है, इसीलिए उन्होंने स्टोरी को अधूरे में ही एंड कर दिया है। अब इसका सीजन 2 आता है या नहीं आता ये बता पाना काफी मुश्किल है। वैसे मेरे हिसाब से तो ये सीरीज काफी अच्छे मोड़ पर एंड हुई है, और इसे अगर वैसे ही छोड़ भी दिया जाए ना तो मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन साथ ही मुझे सीजन 2 का भी इंतजार रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं चार कट आत्माराम और पाना टीपू जैसे कैरेक्टर्स को थोड़ा और देखना चाहता हूँ। वैसे इस वेब सीरीज के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी जाकर देखो नेटफ्लिक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।